नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। छतरपुर में स्वच्छ और ईमानदार छवि वाले अनुविभागीय अधिकारी नौगांव विनय द्विवेदी को हटाने, नौगांव जनपद अध्यक्ष पति राकेश पाठक ने कुछ दलालों और भ्रष्टाचारियों को लेकर हटाने के लिए लगाए गंभीर आरोप। जनता ने आरोपों को सिरे से नकारा। दलालों की दुकानों को बंद करवाने माननीय प्रभारी मंत्री और कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत नौगांव की अध्यक्षा महोदय श्रीमती हेमलता पाठक के दबन प्रवृत्ति वाले पति राकेश पाठक और कुछ भ्रष्टाचारियों ने वर्तमान में ईमानदार छवि वाले अनुविभागीय अधिकारी नौगांव श्री विनय द्विवेदी को अपनी भ्रष्टाचारी की दुकान चलाने हेतु नौगांव तहसील से हटाने के लिए माननीय प्रभारी मंत्री और छतरपुर कलेक्टर महोदय को गुमराह कर आवेदन सौंपा गया है। जबकि हकीकत में जो स्थिति नौगांव क्षेत्र में है उसकी जानकारी आम जनता से जानी जा सकती है। नौगांव वन विभाग में एसडीएम महोदय की नियुक्ति कोरोना काल के समय होती है। उस दौरान इनके आते ही सबसे पहले आम जनता के हित में सख्त निर्णय लेते हुए बचाव अभियान शुरू कर स्वयं उसकी निगरानी सुबह से लेकर देर शाम तक की, लोगों को राशन से संबंधित परेशानी ना हो इसके लिए स्वयं की देखरेख में राशन का वितरण करवाया, लोगों को मास्क और सैनिटाइजर तथा उचित दूरी का अभियान चला, अपने स्तर तक सुरक्षित रखने का भरसक प्रयास किया, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की अन्न योजना को घर घर तक लोगों के राशन को पहुंचाया, बच्चों की पढ़ाई में आ रही अड़चनों और उनकी समस्याओं को संज्ञान में लेकर संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश देकर परेशानी का हल करवाया, गरीबों के द्वारा राशन न मिलने की शिकायत पर संबंधित जिम्मेदारों पर कार्यवाही प्रस्तावित की गई, क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन पर समय समय अपने संज्ञान में लेकर कानूनी दंडा चलाया, तहसील क्षेत्र से आ रहे लोगों को दलाली के नाम पर लूटपाट करने वालों को चिन्हित कर उन्हें तहसील से बाहर का रास्ता दिखाया और जहां भी जो शासन की योजनाओं का लाभ हुआ उसे आम जनता का पहुंचाने में एसडीएम महोदय श्री विनय द्विवेदी ने अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन किया, किंतु उनके द्वारा किए गए समस्त जनहितैषी कार्य कुछ दलालों को नागवार गुजरे। तत्पश्चात साजिश के तहत जनपद पंचायत नौगांव की अध्यक्षा महोदय श्रीमती हेमलता पाठक के पति राकेश पाठक के द्वारा कुछ दलालों और भ्रष्टाचारियों के जरिए ये बेबुनियाद और घटिया आरोप लगाकर कि एसडीएम महोदय पैसे लेकर और क्षेत्रीय विधायक के कहने पर अपना काम कर रहे हैं सरासर गलत है। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि नौगांव एसडीएम विनय द्विवेदी के रहते दलालों और भ्रष्टाचारियों की दुकानें जरूर बंद हो गई है, जिसकी टीस का ही ये परिणाम है कि इनको हटाने अब तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ईमानदार छवि वाले कलेक्टर महोदय श्री संदीप जीआर और माननीय प्रभारी मंत्री दलालों की फर्जी बातों में आकर एसडीएम महोदय नौगांव को हटाते हैं या आम जनता के हितों और शासन की योजनाओं के लाभ हेतु उनको ससम्मान यही रहने दिया जाएगा। महाराजपुर विधानसभा रिपोर्टर चिरंजीव अहिरवार की रिपोर्ट। जी आज ये जो ज्ञापन आप दे रहे हैं ये किस संबंध में है? इस वजह से कि एसडीवी साहब को ना हटाया जाए, क्योंकि कोरोना में उनने बहुत मदद की है हमें और वे यहीं पर रहे और वे हमें बहुत लाभ करते हैं, अच्छा काम करते हैं। जनता के लिए क्या कैसा कोरोना काल में उन्होंने मदद की है? मतलब उन्हें राशन भी बांटा और मदद भी की। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि एसडीएम साहब यहीं रहें? यहीं पर रहें, कहीं ना जाएं। हम लोगों को उनसे बहुत लाभ है, अच्छा काम करते हैं। तहसील तहसील में कोई दलाली तो नहीं लगती? नहीं नहीं नहीं, कोई दलाली नहीं। आप लोग काम करवाने जाते हैं तो हो जाता है काम? अगर उनको हटाया जाता है तो फिर आप क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे।